Hello everyone, in this video we are going to talk about past indefinitives. We can use past tense for action or work which was happened in past. यानी कि हम past tense का use ऐसे काम और action के लिए करते हैं जो कि past में ही खत्म हो चुका हो. We have already learned about all four types of present tense. Now coming through past tense, today we are going to talk about past indefinite tense. तो past indefinite tense को हम लोग पहचानते हैं जब कोई एक हिंदी sentence ता था, ती थी और ते थे से एंड होता है. इसमें भी ये भी प्रेजेंट की तरह ही है, बट इसमें हम लोग था, थी, थे का यूज करेंगे क्योंकि ये सारे काम पास्ट में हो रहे हैं. अब आते हैं कि इस हिंदी सेंटेंस को हम इंग्लिश में कैसे कन्वर्ट करेंगे, इसका स्ट्रक्चर क्या होगा. तो उसका स्ट्रक्चर होता है सब्जेक्ट प्लस वी टू प्लस ऑब्जेक्ट. जैसे कि एग्जाम्पल लेते हैं, दे वेंट टू स्कूल, वे स्कूल जाते थे. वी प्लेड क्रिकेट इन दैट फील्ड, हम लोग उस फील्ड में क्रिकेट खेलते थे. ही एट फूड, वो खाना खाता था. अब बात करते हैं कि इसी सेंटेंस को जब हम निगेटिव में चेंज करेंगे तो कैसे करेंगे. इसको निगेटिव में चेंज करने के लिए, जैसे कि हम लोग प्रेजेंट में भी डू और डज लगाते थे, एक हेल्पिंग वर्ब का ज़रूरत होता है तो हम लोग डू और डज लगाते थे, लेकिन यहाँ पे चूंकि ये पास्ट है तो इसमें हम लोग डिड का यूज करते हैं. तो जैसे ही हम लोग डिड का यूज़ करेंगे तो डिड का यूज जो है वो एक डिड जो है वो ऑलरेडी वी टू है, तो उसके साथ हम लोग जो है यहाँ पे दो बार एक जगह पे हम लोग वी टू का यूज़ कर लिए, तो एक बार हम लोग वी वन का यूज़ करेंगे. दे डिड नॉट गो टू स्कूल, और नॉट हमेशा जो है वो थर्ड पोजीशन पे होता है. इसी सेंटेंस को जब हम इंट्रोगेटिव में बनाते हैं तो ऑलरेडी जब एक सेंटेंस में डिड है तो उसके साथ यहाँ पे भी वी वन ही आएगा. डिड दे गो टू स्कूल, डिड वी प्ले क्रिकेट इन दिस फील्ड. तो इस तरह से हम लोग निगेटिव और इंट्रोगेटिव को बनाते हैं. आई होप आप ये बहुत अच्छे समझ जाओगे कि जब हम लोग एक बार सेंटेंस में वी टू का यूज़ करते हैं तो उसके साथ हमेशा वी वन का, इसमें ये याद रखने लायक बात है. और इसमें सबके साथ, चाहे वो प्रोनाउन फर्स्ट पर्सन का हो, सेकेंड पर्सन का हो या थर्ड पर्सन का हो, सबके साथ हम लोग इसमें डिड लगाते हैं. इसमें प्रेजेंट की तरह इसमें ये नहीं है कि कहाँ पे कुछ और लगाएंगे फर्स्ट पर्सन के साथ, सेकेंड पर्सन के साथ, इसमें सबके साथ हम लोग डिड ही लगाते हैं. अब बात करते हैं कि हम लोग पास्ट इंडेफिनिट टेंस का यूज और भी बहुत जगह पे करते हैं. जैसे कि ऐसा कोई काम जो कि पास्ट में सिर्फ ख़त्म हो चुका हो, समथिंग दैट हैपेंड, मतलब बस वो हो चुका हो, तो इसका एक स्ट्रक्चर होता है सब्जेक्ट प्लस वाज वेयर प्लस ऑब्जेक्ट. यानी कि इसमें हम लोग जो है, ऐसा नहीं है कि पास्ट सिर्फ पास्ट कंटिन्यूअस में ही हम लोग वाज वेयर का यूज़ करते हैं, हम लोग पास्ट इंडिफिनिट में भी वाज वेयर का यूज़ करते हैं. तो इसका एग्जांपल लेते हैं, जैसे कि एग्जांपल से हम बहुत अच्छे समझ पाएंगे. वी वेयर क्लासमेट्स मीन्स कि हम लोग क्लासमेट थे, यानी कि ऐसा जो कि कुछ पहले था अब नहीं है ऐसा. तो इस चीज़ के लिए भी हम लोग पास्ट इंडेफिनिट का यूज़ करते हैं. इसका निगेटिव बनाएंगे तो उसी में जस्ट नॉट लगा देंगे थर्ड पोजीशन पे, हम लोग क्लासमेट नहीं थे, दैट्स इट. इसमें और फिर आगे आते हैं तो अगर इसी को इंट्रोगेटिव बनाएंगे तो इसमें जो है वो हेल्पिंग, इंट्रोगेटिव बनाने का बहुत ईजी होता है कि आप सिर्फ हेल्पिंग वर्ब को आगे लेके आ जाओ और उसके बाद सारा जो है वो स्ट्रक्चर उसी तरह से हो जाता है. अब बात करते हैं कि हम लोग पास्ट इंडेफिनिट का यूज़ कहाँ कहाँ पे करेंगे. मीन्स यूजेज ऑफ पास्ट इंडेफिनिट टेंस टू एक्सप्रेस कम्प्लीटेड एक्शन इन द पास्ट, मीन्स कि ऐसे काम को एक्सप्रेस करने के लिए जो कि पास्ट में ख़त्म हो चुका हो. जैसे कि आई सॉ अ घोस्ट लास्ट फ्राइडे, मैंने लास्ट फ्राइडे को एक घोस्ट देखा था, एक भूत देखा था. तो ये चूंकि मैंने देखा था तो ये पास्ट का है, तो उसके लिए जो है यहाँ पे हम लोग पास्ट इंडेफिनिट का यूज करेंगे. टू डिस्क्राइब अ सीरीज ऑफ कंप्लीटेड एक्शन इन द पास्ट, मींस कि ये भी उसी तरह से हो गया कि अगर कोई काम हम लोग तीन चार काम एक साथ पास्ट में ख़त्म किए हैं तो उसके लिए भी हम लोग पास्ट इंडेफिनिट का यूज करते हैं. इसका एग्जाम्पल देखते हैं, आई फिनिश्ड वॉक, वॉक टू बीच एंड फाउंड अ नाइस प्लेस टू स्विम, मीन्स कि मैंने अपना काम ख़त्म किया, मैं बीच पे गया और वहाँ पे एक बहुत अच्छा प्लेस ढूंढा स्विमिंग करने के लिए. अब देखते हैं थर्ड क्या है, टू एक्सप्रेस हैबिट इन द पास्ट. हम लोगों ने प्रेजेंट इंडिफिनिट टेंस में ये पढ़ा था कि ऐसा कोई काम जो कि उसके प्रेजेंट का हैबिट हो तो उसके लिए हम लोग प्रेजेंट इंडिफिनिट का यूज़ करते हैं. तो उसी तरह से अगर कोई ऐसा काम जो कि पास्ट इंडिफिनिट मींस कि ऐसा जो कि वो पास्ट में हैबिट था लेकिन अब वो हैबिट छूट चुका है तो उसके लिए हम लोग वहाँ पे पास्ट इंडिफिनिट का यूज़ करेंगे. जब हम लोग मोडल्स पढ़ेंगे तो उसमें हम लोग एक यूज टू का भी यूज जो है वो पास्ट के हैबिट को दिखाने के लिए करते हैं, और पास्ट के हैबिट को शो करने के लिए हम लोग पास्ट इंडेफिनिट का और यूज टू का यूज़ करते हैं. जैसे कि एक एग्जांपल लेते हैं,
When I was young, I watched lot of television every day after school. Means कि जब मैं young था तो मैं बहुत सारे स्कूल से आने के बाद मैं बहुत सारे टीवी प्रोग्राम्स देखता था. आई वॉच लॉट ऑफ टेलीविज़न. अब नेक्स्ट बात करते हैं परफेक्ट टेंस का यूज करें और कहाँ पे सिंपल पास्ट टेंस का यूज करें, मींस कि दोनों के बीच में डिफरेंस क्या है. क्योंकि प्रेजेंट परफेक्ट टेंस का भी यूज हम लोग उसी के लिए करते हैं जो कि परफेक्टली ख़त्म हो चुका हो. तो अगर परफेक्टली ख़त्म हो चुका हो तो वो पास्ट का हो गया, तो हम लोग फिर वहाँ पे पास्ट इनडेफिनिट या फिर पास्ट सिंपल का यूज़ क्यों नहीं करते हैं. तो मीन्स कि दोनों के बीच में डिफरेंस क्या है. तो फर्स्ट हम लोग देखते हैं, इट इज़ यूज टू एक्सप्रेस अनफिनिश्ड इवेंट दैट स्टार्टेड इन द पास्ट एंड कंटिन्यू टू द प्रेजेंट. मैंने पिछले वीडियो में यही बताया था कि ऐसा कोई काम जो कि पास्ट से स्टार्ट हुआ हो और वो अभी तक प्रेजेंट तक कंटिन्यू हो, तो वहाँ पे हम लोग प्रेजेंट परफेक्ट टेंस का यूज करेंगे. और ऐसा कोई काम मींस कि इट इज़ यूज टू एक्सप्रेस फिनिश्ड इवेंट्स और जो कि पूरी तरह से पास्ट में स्टार्ट हुआ और पास्ट में ही ख़त्म हो गया, तो वहाँ पे हम लोग सिंपल पास्ट टेंस का यूज करेंगे. जैसे कि एक एग्जाम्पल लेते हैं, आई हैव लिव्ड इन द पैरिश फॉर 5 ईयर्स. मींस कि मैं जब यहाँ पे हैव लगाया तो आप ये समझोगे कि ये जो सेंटेंस है वो प्रेजेंट परफेक्ट टेंस का है. तो यानी कि मैं पेरिस में 5 साल से रह रहा हूँ, तो यहाँ पे जो है वो जैसे ही मींस कि वो अभी तक स्टिल इज लिविंग इन पेरिस, वो अभी तक पेरिस में रह रहा है. लेकिन फिर यहाँ पे जब हम देखते हैं क्या इसका एग्जांपल कि माय सन वाज सिक ऑन मंडे, मेरा बेटा मंडे को बीमार था. एक्चुअली मेरा बेटा नहीं, ये जस्ट एग्जांपल, मेरा बेटा मंडे को बीमार था. यानी कि वो मंडे को बीमार था लेकिन अभी वो क्या हो चुका है, वो ठीक हो चुका है. तो उसके लिए जैसे ही यहाँ पे था आता है, कोई भी टेंस को समझने के लिए हम लोग जैसे उसका हिंदी करते हैं, उस सेंटेंस का हिंदी करते हैं, तो ऑटोमेटिक ही हमें वो चीज़ समझ में आ जाता है कि वो सेंटेंस जो है वो कौन से टेंस का है. तो यहाँ पे जैसे ही था रहा है तो यानी कि इसका मतलब हम लोग वहाँ पे सिंपल पास्ट का यूज करेंगे. और यहाँ पे अभी तक रह रहा हूँ तो यानी कि हूँ, तो अभी भी हूँ, तो उसके लिए हम लोग वहाँ पे प्रेजेंट परफेक्ट टेंस का यूज करेंगे. सेकेंड देखते हैं, इट इज़ यूज टू एक्सप्रेस फिनिश्ड इवेंट इन समवनस लाइफ. मीन्स कि इसका यूज जो है वो किसी के लाइफ में ऐसा काम जो कि फिनिश्ड इवेंट हो, जैसे कि लेकिन अभी भी इफ़ अ पर्सन इज स्टिल अलाइव, लेकिन वो अभी तक अगर वो पर्सन जिंदा है तो उसको एक्सपीरियंस को बताने के लिए हम लोग प्रेजेंट परफेक्ट टेंस का यूज करेंगे. और अगर वो पर्सन अगर मर चुका है तो उसके एक्सपीरियंस को बताने के लिए हम लोग सिंपल पास्ट का यूज करेंगे. जैसे कि वो कोई काम कर रहा है, अभी भी करता था, तो इसका मतलब कि करता था तो यानी कि अब वो हमारे बीच नहीं रहा. जैसे कि ही हैज़ नेवर ट्रेवल्ड बाई प्लेन, कि वो अभी तक जो है वो कभी प्लेन पे नहीं चढ़ा है. तो जैसे ही है आ रहा है तो इसका मतलब कि हम लोग यहाँ पे प्रेजेंट परफेक्ट टेंस का यूज करेंगे. और सेकेंड देखते हैं, ट्रेवल्ड अ लॉट बाई प्लेन, तो ये मीन्स कि यहाँ पे हम लोग देखेंगे कि यहाँ पे कोई भी हेल्पिंग भाव नहीं आया, डायरेक्ट V2 आया. ही ट्रेवल्ड अ लॉट बाई प्लेन, यानी कि वो बहुत ट्रेवल करता था प्लेन से, तो इसका मतलब कि करता था, अब वो हमारे बीच नहीं है. तो इसके लिए हम लोग यहाँ पे सिंपल पास्ट टेंस का यूज करेंगे. अब नेक्स्ट देखते हैं और क्या है. इट इज़ यूज टू एक्सप्रेस फिनिश्ड इवेंट दैट हैपन इन द पास्ट एंड इम्पैक्ट ऑफ द इवेंट इज़ नाउ कंटिन्यू. मैंने पिछले वीडियो में भी ये बताया था जब प्रेजेंट परफेक्ट पढ़ा था, तो कि उसमें हम लोग उसका यूज ऐसे काम के लिए करते हैं जो कि फिनिश्ड हो चुका हो लेकिन उसका इम्पैक्ट यानी कि उसका अफेक्ट या इफेक्ट अभी तक दिख रहा हो, तो वहाँ पे हम लोग जो है वो प्रेजेंट परफेक्ट टेंस का यूज करते हैं. जैसे कि एक एग्जांपल लेते हैं, वी कांट रीच पॉल बाय फोन, हैव यू सीन हिम. मींस कि मैं जो है पॉल तक नहीं पहुंच पा रहा हूँ, क्या तुमने उसे देखा है. तो इसका जैसे ही हम लोगों ने हिंदी किया तो लास्ट में देखा है, तो जाहिर सा बात है हम लोग यहाँ पे प्रेजेंट परफेक्ट टेंस का यूज करेंगे. और इसका जो है हम लोग इसके जगह पे अगर इसमें डिफरेंस देखा जाए तो हम लोग पास्ट का यूज ऐसे काम के लिए करेंगे जो कि पास्ट में एग्जैक्टली ख़त्म हो चुका है, उसका कोई भी अफेक्ट या इफेक्ट अभी तक हम लोग को नहीं दिख रहा है. जैसे कि ही वेंट टू सिनेमा 2 आवर्स अगो, मीन्स कि वो जो है वो 2 घंटे पहले ही जा चुका था. तो इसका मतलब वो जा चुका था तो जा चुका है, अब उसका कोई भी अफेक्ट या इफेक्ट हमें नहीं दिख रहा है. अब देखते हैं क्या कि प्रेजेंट परफेक्ट टेंस का यूज और कहाँ पे करेंगे. इट इज़ यूज विथ अनफिनिश्ड टाइम वर्ड्स, दिस वीक, टुडे, दिस ईयर, इटसे. इसका एग्जाम्पल देखते हैं, ही हैव इटन लॉट ऑफ प्लम्स टुडे,
टुडे इज ओवर इट, मीन्स कि अभी जो है वो बहुत सारे प्लम्स आज खा चुका है, तो खा चुका है तो अभी तक जो है वो टुडे ख़त्म नहीं हुआ है, तो इसलिए अगर वो ख़त्म हो जाता आज का, अगर हम बता रहे हैं कि वो कल प्लम खाया था, तो इसका मतलब ये होता कि वहाँ पर हम लोग फिर V2 का यूज़ करते हैं, पास्ट इंडेफिनिट का यूज़ करते हैं, लेकिन अभी तक आज ख़त्म नहीं हो चुका है, तो इसलिए हम लोग यहाँ पे जो यूज़ करेंगे, क्या यूज़ करेंगे, प्रेजेंट परफेक्ट टेंस का यूज़ करेंगे। मीन्स कि ऐसा कोई काम जो कि अभी तक ख़त्म ना हुआ हो, ऐसा अनफिनिश्ड वर्क हो और वो अभी का बात कर रहा हो, जैसे कि दिस वीक, टुडे और दिस ईयर, इसी साल का, यानी कि इस साल में अभी ये साल ख़त्म नहीं हुआ है, अभी इस आज का दिन तो अभी ये दिन ख़त्म नहीं हुआ है, इस वीक में तो ये वीक अभी ख़त्म नहीं हुआ है, तो उसके लिए हम लोग प्रेजेंट परफेक्ट टेंस का यूज़ करेंगे। फिर ऐसा कोई काम जो कि फिनिश्ड हो चुका हो, जैसे कि कल हो गया, तो आज का बात कर रहे हैं हम तो प्रेजेंट करेंगे, अब वो कल का बात हो गया तो वो हम लोग वहाँ पे V2 लगाएंगे, पास्ट हो गया वो, जैसे कि वी डिडंट कॉल हिम यस्टरडे, मैंने, हम लोगों ने उसे कल कॉल नहीं किया था, तो यहाँ पे कल का बात आ गया, तो यानी कि वो कल जो है वो बीत चुका है, तो उसके लिए हम लोग यहाँ पे पास्ट इंडेफिनिट टेंस का यूज करेंगे। आई होप आपको ये दोनों चीज़ें बहुत अच्छे से समझ आई होंगी, डिफरेंस जानना बहुत ज़रूरी होता है कि हम लोग कहाँ पे प्रेजेंट परफेक्ट टेंस लगाएं और कहाँ पे सिंपल पास्ट।